आज के इस वीडियो में आप देखोगे जो प्लानर होता है उसकी ओपन एंड क्रॉस ड्राइव मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है। आप देख सकते हैं जो प्लानर का बेड है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, और कटिंग टूल है जो कि क्रॉस रेल पे माउंटेड है वो इसमें स्लॉट कटिंग कर रहा है। ये देख सकते हैं बेड है, और बेड के ऊपर गाइडवेज होते हैं, उन गाइडवेज पे आपका जो टेबल है वो माउंटेड रहता है और इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता है। टेबल के ऊपर टी स्लॉट्स कटे रहते हैं जिनके ऊपर क्लैंप लगाया जाता है जिससे आप वर्कपीस को क्लैंप कर सकें। ये आप देखिए, मैंने गाइडवेज दिखाए हैं, ये नीचे पूरा बेड कहलाता है, बेड कास्ट आयरन का बना रहता है। और ये देख रहे हैं आप टेबल जिसके ऊपर वर्कपीस माउंटेड रहता है, और टेबल में आप टी स्लॉट्स देख सकते हैं बहुत आसानी से अच्छे तरीके से, और एक क्लैंप लगे हुए हैं जिससे आपने वर्कपीस को कसा हुआ है इसके ऊपर। ये टूल है, बेसिकली इसमें टूल को हम फीड प्रोवाइड करते हैं और वर्कपीस को कटिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं। ये कहलाता है डॉग ट्रिप, नीचे अभी जो मैंने दिखाया है आपको, ये किस तरह से मूवमेंट करती है टेबल वो दिखाया है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग परफॉर्म करता है, रिटर्न स्टॉक इसका आइडल स्टॉक होता है जिसमें कोई कटिंग ये परफॉर्म नहीं करता है। ये क्रॉस रेल दिखाया था मैंने अभी, ये देख सकते हैं कटिंग किस तरह से परफॉर्म की जा रही है। इसमें बैकवर्ड जा रहा है तो कोई कटिंग नहीं हो रही, ये फॉरवर्ड में कटिंग हो रहा है। अब जैसे ही बैकवर्ड की तरफ जाएगा तो इसमें कटिंग परफॉर्म नहीं होती है, ये अभी कटिंग परफॉर्म हो रहा है। और जब ये टेबल वापस लौट के आएगी तब इसमें कोई कटिंग परफॉर्म नहीं होगी, ये कहलाता है फॉरवर्ड स्टॉक। और अब देखिए, अब कोई कटिंग इसमें परफॉर्म नहीं होगी। ये क्रॉस रेल है, और क्रॉस रेल पर आपका ये टूल हेड माउंटेड रहता है, ये दो कॉलम है, और ऊपर वाला पोर्शन ओवर आर्म कहलाता है जिसके ऊपर आपका मोटर और पुली माउंटेड रहता है। ये इस पर स्क्रू लगा हुआ है स्क्रू, और स्क्रू की वजह से आप क्रॉस रेल को ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। प्लानर यूज़ करते हैं जनरली हैवी वर्क पीस के लिए, ये दूसरी तरफ से मैंने दिखाया है, जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क पीस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। और इस वर्क पीस में स्पेसिफिकली जो आपका ओपन क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है वो मैकेनिज्म यूज़ की गई है। ये आप गियर्स देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे गियर हैं, और गियर में पावर ट्रांसमिशन मोटर के थ्रू हो रहा है जो कि हम पूरा मैकेनिज्म समझेंगे इसमें। ये इस तरह से मूव हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुल गियर होता है, ये बुल गियर इस रैक से अटैच रहता है, और रैक जो है आपका ये टेबल पे माउंटेड रहता है। तो बुल गियर से रैक में मोशन ट्रांसमिशन होता है, और रोटरी मोशन ट्रांसलेटरी या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज होता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से किस तरह से रैक दिखता है, इसमें टीथ होते हैं। अब ये पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले मोटर लगा हुआ है ऊपर, ये आप देख सकते हैं मोटर, मोटर से इस पुली में पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है, इसको हम काउंटर शाफ्ट बोलते हैं, इस काउंटर शाफ्ट में माउंटेड है। और यहाँ से फिर आप देखोगे दो बेल्ट ड्राइव लगी होंगी, अभी आपको देखने को मिलेगा। ये दो बेल्ट ड्राइव है, इसमें एक ओपन बेल्ट ड्राइव है, एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ठीक है। और इसमें दो पुली हैं, एक लूज़ पुली है और एक टाइट पुली है। लूज़ पुली फ्रीली घूमती है शाफ्ट, और टाइट पुली है उसको, उसे मोशन ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें जो क्रॉस पुली है, जब फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक होता है तो आपका जो क्रॉस बेल्ट है वो टाइट पुली पे माउंटेड रहता है, और जब रिटर्न स्ट्रोक होता है, आइडल स्ट्रोक होता है जिसमें कटिंग नहीं होती, तो आपका ओपन बेल्ट होता है वो टाइट पुली पे माउंटेड रहता है, ठीक। और ये बेल्ट चेंज होते हैं, बेल्ट चेंज होने के लिए इसमें यहाँ पर चेंजर लगा रहता है, और ये चेंजर डॉग ट्रिप से कनेक्टेड होता है। डॉग ट्रिप बेसिकली एंड ऑफ द बेड का जो स्ट्रोक होता है, बेड का मूवमेंट होता है जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर डॉग ट्रिप लगा रहता है, उस डॉग ट्रिप से ये जो चेंजर लगा हुआ है यहाँ पर, बेल्ट का चेंजर है, ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। क्रॉस बेल्ट इसलिए यूज़ करते हैं कटिंग स्ट्रोक में, क्योंकि क्रॉस बेल्ट में क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई कर सकता है। जो मेन पुली है उससे आपका गियर ड्राइव के लिए पावर ट्रांसमिशन होता है बुल गियर के लिए, फिर ये फीडिंग का पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है।
वहीं से फीड के लिए अलग से मैकेनिज्म है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट इधर ट्रांसमिट किया जाएगा। जैसे गियर चेंजर मूव होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेवल गियर का सिस्टम लगा हुआ है, और इस बेवल गियर के थ्रू आप आगे मोशन को ट्रांसफर, ये बेवल गियर है, इस बेवल गियर से शाफ्ट शाफ्ट से पावर ट्रांसमिशन आ रहा है इधर से, और इससे फिर ये ऊपर इस तरह यहाँ पे जाता है। ये शाफ्ट देख सकते हैं जो शाफ्ट से पावर ट्रांसमिशन आ रहा था, फिर यहाँ पे बेवल गियर लगा हुआ है, बेवल गियर से फिर दोबारा इधर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। उसके बाद ये गियर है, और ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये गियर्स हैं, और ये गियर आपका लीड स्क्रू जो रहता है उस लीड स्क्रू से अटैच रहते हैं, और उन लीड स्क्रू पे अभी दिखाएंगे आपको, ये इस तरह से आप देख सकते हैं इस गियर से किस तरह से मोशन ट्रांसमिशन हो रहा है। और फिर इसके बाद ये लीड स्क्रू दो लगे हुए हैं इसमें, और उन लीड स्क्रू पे आपका टूल हेड माउंटेड है, ठीक है। तो जैसे ही एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है हल्का सा वो आपका जो चेंजर है बेल्ट चेंजर है उसके थ्रू इधर मोशन ट्रांसमिट होता है, और ये गियर बिल्कुल हल्का सा मूव करता है। अभी इसमें मूवमेंट आप उसका देखेंगे, और उसी हिसाब से आपका जो टूल हेड है वो मूवमेंट करता है, और टूल हेड के मूवमेंट से आप क्या करते हो फीड प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक कट लग गया फिर दूसरा कट लगाते हैं, और एक कट इसमें काफ़ी बड़ा कट लगता है, 5 to 7 mm तक का आप कट इसमें लगा सकते हैं। ये आप लीड स्क्रू देख रहे हैं, और जैसे स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो आपका जो टूल हेड है वो उतना डिस्टेंस मूव कर लेता है जितना आप फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब आपको फीड मैनुअल देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक बार आपने सेट कर दिया बाकी मशीन चलती रही आराम से, बस आपने बशर्ते सेट सही से किया हो। ये आप लीड स्क्रू देख रहे हैं, दो लीड स्क्रू, इन पे आपका टूल हेड माउंटेड है और टूल हेड को फीड देते हैं। मैंने मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है, ये ओपन और क्रॉस बेल्ट का किस तरह सिस्टम रहता है और किस तरह से चेंज होता है वो भी आप इसमें देखेंगे, ये देख सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया जब आप प्लानिंग परफॉर्म करते हैं तो आपका जो टूल हेड है वो क्रॉस रेल पे मूव करता है अक्रॉस, लेकिन जब आपको डेप्थ स्लॉट काटना है ना, गहराई में काटना है, तो उसके लिए ऊपर जो हैंड व्हील लगे हुए हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली यूज़ होते हैं। ये वो मैकेनिज्म दिखाई गई है कि जिसमें आपका जो क्रॉस रेल है वो कॉलम्स के अबाउट वर्टिकली अप एंड डाउन कैसे मूव कर सकता है, तो उसको मूव कराने के लिए ये मोटर स्पेशली लगी हुई है।